दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक औषधि ज्ञान में। आज मैं आपको एक औषधि के बारे में बता रहा हूँ जिसको हम हस्ती सुंडी के नाम से जानते हैं। मेरा नाम अपेश कुमार है। हस्ती सुंडी की पहचान बहुत आसान है। इसकी जो मंजरी होती है देखिए एकदम बड़ी हुई होती है हाथी के सूंड की तरह, और इसके पत्ते देख पा रहे होंगे वीडियो में, वीडियो देखकर आसानी से पहचान सकते हैं देखिए। और नीचे से थोड़े प्रदरे होते हैं और इसके ऊपर में थोड़े हल्के हल्के से रुए टाइप के होते हैं देखिए, देख पा रहे होंगे देखिए। इसलिए इसे सुंडी कहते हैं क्योंकि इसका जो मंजरी आती है वो हाथी की सूंड की तरह मुड़ जाती है। हस्ती सुंडी दो प्रकार की होती है, एक बड़ी वाली हस्ती सुंडी और एक छोटी हस्ती सुंडी। जिसे पौधा जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक बड़ी हस्ती सुंडी है, जिसे बड़ी पौधा है देखिए। इससे एक छोटा पौधा होता है, उसका भी मंजरी ऐसी मुड़ती है हाथी की सुंड की जैसी। आज मैं आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में बताऊँगा। हस्ती सुंडी के पत्तों को कुचलकर और व्रण फोड़ा या खुंसी पर बांधने से आराम मिलता है और ठीक हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग इसका टॉन्सिल में सूजन आ जाने पर इसके पत्तों का रस निकालकर उसको पीने से या गरारे करने से या कुल्ला करने से सूजन ठीक होती है। और बिच्छू काटने पर भी इसके पत्तों का रस निकालकर अरंडी के तेल में मिक्स करके लगाने से आराम मिलता है। और चौथा प्रयोग इसका मासिक धर्म की अनियमितता होने पर इसके पत्तों का रस निकालकर सुबह शाम पिलाने से मासिक धर्म नियमित हो जाता है। और इसके पत्ते पूरा पौधा उखाड़कर और कुचलकर लेप बनाकर गठिया और दाद में लेप करने से आराम मिलता है। थैंक यू वॉच फॉर वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।